अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव। बहुत सिंपल इंस्टेंट रेसिपी है ये। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बनाएं, तो ये दो तीन सब्जियां अगर मिल जाएं तो इनसे भी ये पुलाव बन जाएगा और बहुत टेस्टी और मज़े का लगता है। सिंपल, इसको बगैर किसी चीज़ के साथ, आप कबाब या सालन कोई चीज़ ना हो, सिर्फ वैसे ही खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में तेल ले लें, तकरीबन 4 टेबल स्पून पैन में तेल ले लीजिए और इसको थोड़ा सा हीट करके लगा के, और इसको फिर मैं इसमें एक प्याज डाल दूंगी। अच्छा, इसमें से मैं ना तकरीबन थोड़ी सी प्याज निकाल के भगार के वो ऊपर दम के लिए भी निकाल लूँगी, बाकी मतलब समझ लें हाफ इसी में रहेगी और बाकी थोड़ी सी मैं इसको दम के लिए निकाल लूँगी ऊपर प्याज। तो ये इतनी प्याज इसमें हैगी। अब मैंने इसके अंदर डालने हैं आलू, क्योंकि आलू जो है ना, ये आजकल ये वाले जो नए आलू आए हुए हैं थोड़े से टफ होते हैं और जल्दी नहीं गलते, बल्कि ये फिर अगर थोड़ा सा इनमें देर हो ना तो ये वो हो जाते हैं, अट जाते हैं। तो पहले इनको थोड़ा, मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस इसीलिए इसके काटे, और इनको मुझे एक पहले मैंने कहा कि चलें इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ साथ साथ लहसुन अदरक के, तो ये थोड़े से गल जाएंगे पहले शुरू में, क्योंकि फिर सब्जियों के रंग ना ख़राब हो जाएं। ये मैंने जो है ना हरी पेस्ट डाली है, हरा धनिया और हरी मिर्च की एक पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने डाली है। दोनों चीज़ें आप ले लें, हरा धनिया और हरी मिर्चें, जैसे आप खाते हैं उसको पेस्ट बना के उसको फ्रीज़ कर लें। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी। तो बस ये इसके साथ मैंने ढाँक के इसको थोड़ी देर स्टीम दिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो ये आलू जो थे वो थोड़े थोड़े गल गए थे। अब मैंने इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करनी है। अच्छा, मेरे पास मटर थे, फ्रोज़न है ये, गाजरे हैं, हरी प्याज के वाइट पार्ट्स हैं और थोड़ी सी शिमला मिर्च है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बस बची हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वेजिटेबल्स मिला के 1 कप बन गया होगा। तो बस मैंने ये इसके अंदर डाल दिया, और अब मैंने इसको भी थोड़ा सा स्टीम देना है, थोड़ा सा इसको भी ताकि ये मटर वगैरह चूँकि फ्रोज़न है ना तो ये थोड़े से गल जाएं। तो 3-4 मिनट के बाद मैंने ये खोला, और अच्छा इसको ज़्यादा पकाना नहीं, फिर गाजरों का और इनका कलर ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर वो इतने अच्छे नहीं लगेगी चावल, बहुत फिर अजीब से। ये देखें, मैंने अभी आलू देखा, ये इतना नहीं हुआ है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इन आलूओं को और थोड़ा सा मटरों को भी गलाने के लिए रखना है। तो बस इतना कि ये बस हल्का सा इसमें डूब गए पानी, तकरीबन आधा गिलास डाला होगा, और मैंने इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए ढाँक दिया। अच्छा, आँच मैंने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ ना करें आँच, वरना फिर वो जलने से लगेंगे। अब ये देखें, थोड़े थोड़े से हो गए थे आलू ही मैंने देखे, तो अब मुझे इसके अंदर चावलों की एडिशन करनी है। तो ये देखिए, मैंने अब ये सारे एक जगह करके और अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल मैंने 2 कप लिए हैं, और पानी इतना डालना है चावलों में कि ये चावल जो हैं वो उनसे ज़रा सा बस 1/2 इंच ऊपर हो, पानी ज़्यादा नहीं, वरना अच्छा चावलों पर भी होता है कि कितने पानी लेते हैं। ये मैंने चिकन क्यूब डाल दिया है 1/2, मतलब यानी कि 2 निकलते हैं ना, तो उसमें से 1 डाल दिया मैंने चिकन क्यूब। अच्छा, इसलिए भी डाला है कि ये थोड़े से चावलों में थोड़ा टेस्ट आएगा यखनी का, और वैसे भी ज़ाहिर है कि फीके फीके सब्जियां और आलू और चावल तो नहीं अच्छे लगेंगे ना, तो थोड़ा सा ये डाल दिया। चिकन पाउडर हो वो डाल दें आप, कोई मसला नहीं है, नहीं है तो भी ना डालें, ये वैसे भी अच्छा लगेगा, अल्लाह का शुक्र है अच्छी ही बन जाएगी आपकी भी। अच्छा, ये मेरे पास बिरयानी एसेंस है, आपके पास अगर है तो डाल दें, नहीं तो आप केवड़ा एसेंस डाल दें। ये चंद कतरे, 2-3 कतरे मैंने इसमें, जब ये पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क होने लगा तो मैंने फिर इसमें डाल दिया। अब मुझे इसको दम पे रखना है, इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के मैं इसको 6 से 7 मिनट हल्की आंच पे दम पे छोड़ दूंगी। और ये वही प्याज है जो ऊपर से उतारी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्च बड़ी वाली काट के, और इसको हल्का हल्का आँच मैंने, आप देखें, बिल्कुल मीडियम लो है, ताकि ये चावल जो थोड़ा थोड़ा इसमें अभी है मॉइस्चर, उसी में ये हल्का सा इसमें स्टीम बनेगा और चावल और ये सारी चीज़ें इसी में ही दम आ जाएंगी। तो बस ये रेडी हो गया, बस इसका दम खोल लें हल्का हल्का, जब ये देखें आप इसमें स्टीम निकल रही है तो इसको हल्के से खोल लें, ताकि नीचे से जो चावल है ना वो ऊपर आ जाएँ, जिनमें नमी, ज़ाहिर है नमी तो नीचे चली जाती है ना, तो और ऊपर वाले नीचे चले जाएँ, तो थोड़ा सा इसमें अच्छे से फिर और ज़्यादा स्टीम बन के सारे चावल यकजान और यकसा जो हैं गल जाएं, दम आ जाएं, गले हुए तो हैं। बस 1-2 मिनट के लिए बंद किया इसको, और बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बस जी रेडी हो गए, हमने निकाल लिए, और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाले साबित डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च, लाल और लौंग, और ये बादियान, मैंने ये ऊपर से बस ऐसे लग दिया था। तो बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
मिलते हैं दोबारा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।